सरकारी नौकरी और इनकम टैक्स पे है उनके परिवार को छोड़कर 78 लाख महिलाओं को जो 21 वर्ष से ऊपर हैं, चाहे वो 100 वर्ष की क्यों ना हो, उन वृद्धा पेंशन पा रहे हैं उनको भी लाभ मिलेगा। बल्कि उनके जैसे 500 रुपये पा रहे हैं उनको अतिरिक्त उनके खाते में जोड़कर 1000 का उनको भी लाभ मिलना है। 70 लाख विवाहित महिला का उन्होंने वादा किया था हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री। मतलब आप मानते हैं कि विवाहित अगर नहीं है तो उनको ये फायदा नहीं मिल पाएगा, इनकी शादी नहीं हुई है, विवाहित ही का तारीख में समाप्त। देखिए आज की परिस्थिति में आज की तारीख तक जो जानकारी आई है 2 लाख से अधिक बहनों ने जिले में आवेदन कर चुके हैं और प्रदेश में 35 लाख से अधिक माताओं बहनों ने अभी तक के आवेदन कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज और इस वक्त हमारे साथ जो है बीजेपी के वरिष्ठ जो पदाधिकारी है दिनेश देवांगन और साथ में प्रवक्ता है जो भाजपा के और साथ में दिलीप जी है यहाँ पर और साथ में बीजेपी के बहुत सारे दिग्गज यहाँ पर मौजूद है। अभी जिस तरह से महतारी वंदन योजना जो केंद्र सरकार की बहुत ही महंती योजना रही है उस पर जो बहुत सारे डाउट्स और जो कंफ्यूजन है उस पर जो है दिनेश देवांगन जी प्रकाश डालेंगे, क्योंकि माना जा रहा है या कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को जो है इनका फायदा नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, ये बातें जो है मार्केट में किस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से गलत प्रचार के माध्यम से जा रहे हैं, जबकि ये योजना है जो है केंद्र सरकार के मोदी सरकार ने सभी महिलाओं या सभी माताओं बहनों के लिए योजना लाए हैं। आइए जानते जो भ्रांतियां जो समाज फैल रही है इस वक्त महतारी वंदन योजना का, उसे प्रकाश डालते हैं। जी दिनेश देवांगन जी, जिस तरह से महतारी वंदन योजना जो है केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने जो महिलाओं के लिए जो योजना लेकर आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि सारी महिलाओं के लिए योजना जो नहीं है। देखिए मोदी की गारंटी की योजना के तहत हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा जो महतारी वंदन योजना लाई गई है इसमें किसी प्रकार की कोई भ्रांतियां नहीं है। इसमें स्पष्ट है जो सरकारी नौकरी और इनकम टैक्स पे है उनके परिवार को छोड़कर 78 लाख महिलाओं को जो 21 वर्ष से ऊपर हैं, चाहे वो 100 वर्ष की क्यों ना हो, उन सब विवाहित महिलाओं को 1000 प्रति माह के मान से 12000 साल में मिलेंगे और ये पूरे 5 साल तक चलेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दुष्प्रचार किया जा रहा है, ये विरोधी तत्व का है। और ये जानकारी हम लोगों को भी आई है कि कई ऐसे केंद्रों में जो 60 से ऊपर महिलाएँ हैं उन्हें लौटा दिया जा रहा है या उन्हें जनधन खाता होने के कारण लौटाया जा रहा है, ये टोटल गलत है, पूरी तरह गलत है। उन महिलाओं को भी लाभ मिलेगा जो विधवा पेंशन पा रहे हैं, वृद्धा पेंशन पा रहे हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। बल्कि उनके जैसे 500 रुपये पा रहे हैं उनको अतिरिक्त उनके खाते में जोड़कर 1000 का उनको भी लाभ मिलना है। इस तरह से कोई विवाहित महिला नहीं छूटेंगे। मुझे लगता है कि जानबूझकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात है जनधन खाता, इसकी भी शिकायत आई है। जिन बहनों का माताओं का जनधन खाता मोदी जी के पहले कार्यकाल में खुले हैं उन खाताओं में माताओं बहनों ने यदि किसी तरह से लेन देन नहीं किए हैं और बरसों से वो खाता मृत पाए पड़े हैं और आधार लिंक नहीं हुआ है, उन खातों में पैसे जाने में दिक्कत हो सकती है। आपके कहने के मुताबिक 60 साल के जो ऊपर हो चुके हैं उन माताओं को भी या उन बुजुर्गों को भी मिलेगा? बिल्कुल। और जिनकी शादी अगर नहीं हुई है तो क्या उनको ये योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसमें स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा था कि विवाहित महिला 70 लाख विवाहित महिला का उन्होंने वादा किया था हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री। मतलब आप मानते हैं कि विवाहित अगर नहीं है तो उनको ये फायदा नहीं मिल पाएगा, इनकी शादी नहीं हुई है? विवाहित ही का तात्पर्य ही है, जो विवाहित है उन्हीं को मिलना है और उसकी कोई आयु लिमिट नहीं है, 21 से ऊपर सभी महिलाओं को मिलना है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए और किसी माताओं बहनों को भटकने की भी आवश्यकता नहीं। यदि कहीं किसी केंद्र में उनका फॉर्म नहीं लिया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता उन वार्ड में उन गांव में लगे हुए हैं उन्हें वो शिकायत करे कि हमारा फॉर्म किसी कारणवश नहीं लिया जा रहा है। हमारे भाजपा के जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो पार्षद हो, सरपंच हो, पंच हो या भाजपा के पदाधिकारी हो, उन क्षेत्र में रहते हैं, वो अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र में सहयोग कर रहे हैं, उनको वो बताए यदि वहाँ किसी केंद्र में उन्हें दिक्कत हो रही है तो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता। क्या इसमें भी कुछ पात्र अपात्र शामिल होंगे? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, स्पष्ट है। जिनका बैंक खाता चालू होगा, आधार लिंक होगा और उनका जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो उनको मिलना है। आधार कार्ड, परिचय पत्र, जो दस्तावेज मांगे गए हैं उनमें से जो स्थानीय निवासी से संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेज उनके पास है तो उन्हें मिलेगा और वो स्थानीय सरपंच हो या पार्षद हो
उससे भी वो प्रमाणित कर सकते हैं, बशर्ते वो स्थानीय मूल निवासी। बहुत सारी महिलाएं जो अपने फार्म स्वयं निर्भर पा रही हैं, और ऐसे में जो जो आंगनबाड़ी को जिस तरह से काम दिए हैं, आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता है काम तो अपनी कर रही है, लेकिन जिस तरह से करना चाहिए चूंकि फार्म का मामला इसलिए सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं। नहीं देखिए, हमारे भाजपा के कार्यकर्ता लोग और जनप्रतिनिधि लोग, मितानी लोग भी सहयोग कर रहे हैं। प्रत्येक वार्डो में हम लोग देख रहे हैं, हम सब लोग मिलकर सहयोग कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बहनों और माताओं को लाभ मिल सके। क्या इसका जो तिथि है, जो समय सारणी दिए हैं 20 तारीख को, क्या बढ़ेगा या फिर सेम तारीख में समाप्त? देखिए, आज की परिस्थिति में, आज की डेट तक, आज की तारीख तक जो जानकारी आई है, 2 लाख से अधिक बहनों ने जिले में आवेदन कर चुके हैं और प्रदेश में 35 लाख से अधिक माताओं बहनों ने अभी तक के आवेदन कर चुके हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि महिलाएं स्वयं बढ़ चढ़कर आवेदन केंद्र देने केंद्र में आ रही हैं, और महिलाओं में अभूतपूर्व उत्साह है। इतने उत्साह है कि वो बहुत ही खुश है, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के प्रति अपने कृतज्ञ व्यक्त करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर भरोसा करते हैं। इस तरह से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी 20 तारीख, करीब करीब 10 दिन और समय हमारे पास, और इस तरह से भर, मतलब जिस तेजी के साथ फॉर्म भरा जा रहा, लग रहा मतलब 20 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। निश्चित रूप से 20 तारीख तक मुझे लगता है हम टारगेट से आराम से पार कर लेंगे, और जो पात्र हैं, जिनके आवेदन में पात्र आएंगे, 20 के बाद उनका दावा आपत्ति सूची का चस्पा किया जाएगा। उनमें उन बहनों को अपनी सूची को देखना है, जो पात्रता रखते हैं उन्हें अवश्य 1000 रुपये प्रति माह की दर से पैसा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुने जिस तरह से नीरज देवांगन ने बताया कि किनको ये जो महतारी वंदन योजना का जो है फायदा मिलेगा, और बहुत सारी जो बातें थी उसको, डाउट क्लियर जो चल रहा था वो क्लियर कर दी है। विवाहिता को ही चाहे 21 साल के बाद जितने उम्र की हो उन सारे महिलाओं को मिलेगा, लेकिन इस बात को बार बार बताया जा रहा है कि विवाहिता, जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी जो केंद्र की जो मोदी सरकार है, उन्होंने जो बार बार इस बात को कहे जो विवाहिता है उनको यह फायदा मिल पाएगा, और जो शादीशुदा नहीं है उनको ये जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा। हर अगली अपडेट के लिए बने रही BLC न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।